सत्संग बचिया सुन ले लो। सास ससुर पति जब घर में आयल तो सबके बैठा के कहा बाबू ऐसे ऐसे बात है से पूरे नगर में आज ढोला पड़ा है से हीरा मोती का हार रानी साहब को हरा गया है, किसी को मिलेगा तो मुंह मांगे इनाम देंगे। सोराजा साहब की यह हार है तो ससंगी बचिया की ससुर कहते हैं हार निकाल के बक्सा में से दे लो, कहला राज दरबार में पहुंचा देने के लिए। जब हार जो गमछा में बांध करके जाते हैं राजा साहब को पहुंचाने के लिए। हेलो हेलो लक्ष्मीनिया पति का हार लेकर राज दरबार में गया। प्रधानमंत्री माननीय मंत्री सब सभा लागल है, गमछा में हार लेकर गया दिया। राजा साहब अपने के जो हीरा मोती के हार हरा गल चल तो हमरा पुतौ के मिल ले। हमरा कल के अपन हार लिया, कल के ये हार मिल ले तो केकरा मिल ले। कल के राजा साहब हमरा नहीं मिल ले, हमरा घर में एक तो सत्संगी बचिया है उनका मिल ले। उनके बोलो राज दरबार में गल सिपाही सब बजा के लो लो तुरंत राज दरबार में। और बचिया के पूछे राजा साहब आपके ये हार कहाँ मिले। सरकार हम चोर बदमाश कुछ नहीं है, हमारा आंगन में था हम रख लिए, हमारा सास स्वरूप पति आया तो मैंने सब बात सुनाया तो मेरा ससुर का राज दरबार में पहुंचा देने के लिए तो हम आए लेकर के। तो राजा साहब कहे थे ये जो हार कोई राज दरबार में पहुंचा देंगे तो मुंह मांगे इनाम देंगे। तो उस सत्संगी बचिया के राजा साहब कहे मांगो क्या मांगना है। राजा वाले बात है तुरंत मैं उपलब्ध करूंगा। तो सत्संगी बचिया कहे सरकार हमको रुपया पैसा धन भी किच नहीं चाहिए, हम सत्संगी है, हमारा घर के बगल में बड़ा फील्ड है बड़ी भारी, उसमें अखिल भारत को सत्संग लगा दो और गांव गांव से देश देश से महात्मा सबके मंगा करके सत्संग को आयोजना कर दो और भजन भक्ति 3 दिन लगा दीजिए इसी में। मैं यही मांग है हमारा सत्संगी बच्चा कहते हैं। तो राजा वाला बात है गाँव गाँव में पत्र खटा करके कार्ड खटा करके 3 दिन में पूरे अखिल भारत की सम्मेलन संत सम्मेलन घर के बगल में लगा दिया, एकदम भजन प्रवचन हुआ। जब 3 दिन के बाद सबको विदाई करके भजनी और प्रवचनी सबको जो पठा दिया तू सत्संगी बचिया के घर में से सास ससुर बाहर चले गए कमाने के लिए। एक बूढ़ा बाबा एकदम नंगे है, नंगोटी पहने है और लाठी लेके घर से निकला है। और सत्संगी बचिया के कहते हैं जहाँ पर भजन प्रवचन सतगुरु का उपदेश होता है वहाँ पर नहीं रहता हूँ बचिया, मैं इस घर से जा रहा हूँ, मैं दलिदर हूँ, इस घर में दलिदर का वास था, अब मैं बर्दाश्त न कर सकते हूँ, मैं अभी जाएंगी। तो बचिया कहते बाबा अभी नहीं, इस घर से दलिदर जो निकल गया भाग आया तो मैं हमारा सास ससुर और पति कैसे बुझेंगे। हेलो हेलो कैसे महतो जी आइए, आपका संचालक महोदय इंतजार में है, जल्द से जल्द आइए। तो सत्संगी बचिया दुहार को घेर करके कहते अभी नहीं बाबा, इस घर से नहीं निकले देंगे। तो बाबा कहते मैं जहाँ पर प्रवचन होता है सतगुरु का गुणगान होता है प्रवचन होता है भजन होता है वहां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अभी जाऊंगा, इस घर में मैं अब नहीं रहूंगा।
तो बचिया कहते हैं हमारा सास ससुर और पति का कैसे मालूम होगा, इस घर से दलितर भाग गए। एक रजिस्टर लाया और डाउट पेन लाया, कहते हैं बाबा आप नहीं मान रहा है इस घर से जा रहा है तो रजिस्टर में धरता कर दीजिए, मैं दलितर हूँ, सदा के लिए मैं इस घर से जा रहा हूँ जहाँ पर भजन सतगुरु का उपदेश पर वचन होता है वहाँ मैं नहीं रहूँगा। इस घर से रजिस्टर दलितर भाग गया, अब दलितर तो भाग गया तो दो चार मिनट के बाद एक सफेद कपड़ा पहन करके गेट पर आकर के और एक महिला कहते हैं सत्संगी बचिया के जहाँ पर भजन और सतगुरु का प्रवचन उपदेश होता है गुरुजन का वहाँ पर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। इस घर के बगल में एक बहुत बड़का सम्मेलन हुआ है, इस घर में मैं प्रवेश करूँगा, मैं लक्ष्मी महारानी हूँ। सत्संगी बच्चा कहते अभी नहीं, इस घर में जो लक्ष्मी प्रवेश करेगा तो मेरा ससुर सास और पति कैसे बुझेंगे, अभी नहीं प्रवेश करने दूंगा। तो कहे नहीं, जहाँ पर भजन भक्ति होता है मैं तुरंत प्रवेश करता हूँ। तो लक्ष्मी महारानी को कहते हैं लक्ष्मी महारानी इस घर में जो आप प्रवेश कर रहा है तो रजिस्टर में लिख दीजिए मैं लक्ष्मी महारानी हूँ, सदा के लिए इस घर में प्रवेश कर रहा हूँ। रजिस्टर में लिख दिए, लक्ष्मी महारानी घर में प्रवेश हो गया। आप देखिए अब जो सास ससुर कमाने जाने लगे तो 500 कमाई होता था तो 1000 रुपया होने लगे, 2000 होने लगे, 3000 होने लगे, धन का ताल लग गया, 5 मंजिला मकान बन गई। ओ जो 4 बहनी था उससे धनी मनी हो गए। तो सत्संग के प्रभाव से देखिए दलित्र से धनिक हो गया। तो सत्संग करने से घटता नहीं है, बोलिए प्रेम से संत भगवान की।